Hello everyone! Welcome to a new episode of Cut to Cut. Today we are going to talk to Avinash Thiani, director and actor, uh, who uh, makes movies on uh, wars uh, and historical figures. And his new movie VC Five Seven One is going to uh, whose uh, teaser is out, and uh, it looks really interesting and. Uh, uh, slated to be out in June. Um, it's going to be about a war hero that most of us haven't heard about. So, uh, we're going to talk to him and hear his story and also the story of his new film. Avinash, uh, please tell our viewers about your movie, VC 571. When is it going to be released and what is it all about? Sharmi, uh, VC 571, uh, based on uh, a war hero. राइफलमैन गबर सिंह नेगी गबर सिंह नेगी जो थे वो वर्ल्ड वॉर वन का हिस्सा हुए और क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अधीन थे और उसी में वो पहाड़ का लड़का भी शामिल हुआ एंड इट वाज अ इट वाज अ ग्रेट हिस्ट्री फॉर फॉर अस द वे वी फॉट अगेंस्ट नो फॉर जर्मन्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी था वो पहाड़ से था क्योंकि उस जमाने में uh, पहाड़ से खिलाफ लड़ना तो uh, ये पूरी कहानी है उस लड़के की सो so, मैं लड़का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अः uh, मेरे लिए पहला वो एक, एक, एक सिंपल सा लड़का है hmm. वो एक वॉर हिरो बना है उस समय आ, उस 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 लेवल पे चीजें नहीं थी देश में या संसाधन नहीं थे वैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी और हम गुलाम थे आ, अंग्रेजों के अधीन थे और और उस 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 और वो जो हालात थे उन हालातों में रहकर भी वो कैसे सब कर पाया और कैसे वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जब उसने वो ब्रेवरी दिखाई क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बहादुरी जो है ना वो वो होती नहीं है वो किसी इंसिडेंट से पैदा होती है hmm. जैसे वो चिंगारी ना है उसको एक, कुछ चाहिए उसको उस बहादुरी को आने के लिए I read up on your work and uh, आप हमेशा वॉर मूवीज पे फोकस करते हो बिकॉज योर फादर वॉज इन दर्मी बट ये बात uh, ऐसा भी है कि बी सी फाइव सेवन फाइव सेवन वन इज अबाउट अ सोल्जर हु वॉज फाइटिंग इन द ब्रिटिश आर्मी जी uh, जब uh, जब ब्रिटेन हैड कॉलोनाइज्ड अस तो आप उस उस यू uh, नो you know, उस एंगल से निकाल के मूवी को हाउ आर यू हाउ आर यू प्रेजेंटिंग इट एज द ब्रेवरी ऑफ एन इंडियन मैन जिस समय हम लोग उस बिल्कुल गब्बर सिंह नेगी ने आर्मी ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि आ, हालात बहुत खराब थे घर के और पैसे नहीं थे उस जमाने में तो एक नौकरी से सहारा मिलता था आ, मगर जैसे मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी उन सभी किताबों में लिखा हुआ है कि जो गढ़वालीज थे मतलब मेरी फिल्म जो है वो उन गढ़वाल के सैनिकों पे है और स्पेशली फिर गबर सिंह पे आती है फिल्म तो जितनी जैसे एक किताब है उस किताब का नाम है ट्रू टू देर सॉल्ट तो उस उस किताब में लिखा है कि जो गढ़वाली सैनिक थे वो सिर्फ प्राइड के लिए लड़े और पहाड़ी होते हैं कुछ इस तरह के तो वो अपनी उस प्राइड के लिए लड़े तो वो वो मोटो सिर्फ था और कहीं ना कहीं हम क्योंकि 1857 में मंगल पांडे आजादी का बिल्कुल बजा चुके थे कि भैया मैं आजाद करो यहाँ से है ना तो ये मेरी कहानी 1914 की है तो हम कहीं ना कहीं उस परेशानी से थे, थे। तो आ, जो गबर सिंह नेगी है वो भी उसी देश का हिस्सा था उसको भी वो अंग्रेज मालूम थे उसको भी मालूम था कि हमें गुलाम बना के रखा हुआ है और जब वो फ्रांस की धरती पे पहुंचे आ, समुद्री जहाज के रास्ते तो उन्हें वो और ज्यादा फील हुआ कि हाँ हम गुलाम हैं और यहाँ एक डिप्लोमेसी के थ्रू हमें लेके लाया गया है क्योंकि उनमें से कोई नहीं लौटा जितने भी जवान थे तो आ, उसका उसका जो सवाल था और जो उन्हें रियलाइज हुआ गढ़वालीज को कि ये जमीन हमारी नहीं है ये देश हमारा नहीं है ये दुश्मन हमारा नहीं है तो और हमें अब कहीं ना कहीं we are in the trap where we can we have to fight we are being played by the by dirty politics it's all politics and we are just दिया दिया दिया। just pegs as foot soldiers और जी और when जब ये जब ये उनको मालूम चल गया तो उसके बाद वो वो डरे नहीं वो समझ गए थे कि अब यहां से वापस नहीं जा सकते तो अब क्या किया जाए तो अब अ, मतलब मेरी फिल्म में ऐसा डायलॉग है कि वो उनको एक उनका एक जो सीनियर ऑफिस जवान है वो भारतीय ऑफिसर वो कहता है कि क्या पता हमारे पितरों ने इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या पता इसी दिन के लिए लाया गया था कि क्या पता हमारा जन्म इसलिए हुआ था तो और उसके बाद हुआ भी ऐसा कि जो सम्मान है जिस पे मेरी फिल्म का टाइटल है वीसी सेवन उसको सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया मरण उपरांत उन्हें वो मिला विक्टोरिया क्रॉस और उसके बाद ही गढ़वाल राइफल्स को रॉयल गढ़वाल कहा जाने लगा जो हमारे सिपाहियों ने वीरता दिखाई थी वर्ल्ड वॉर वन में वो चाहे दरबान सिंह नेगी हो या अलादाद खान हो या गबर सिंह नेगी हो मेरी फिल्म गबर सिंह नेगी पे है पर मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उस ब्रेवरी के बाद दरबान सिंह ने जो किया या गबर सिंह ने जो किया जो ब्रेवरी दिखाई जो बहादुरी से वो लड़े उसके बाद ही गढ़वाल राइफल्स को रॉयल गढ़वाल से नवाजा गया और जैसे आप अगर कभी देखेंगे तो गढ़वाल राइफल्स के पास एक लाल डोरी होती है कंधे पे वो रॉयल गढ़वाल की निशानी है तो वो भी उसी वीरता के बाद दी गई क्योंकि तब हमें माना गया कि हाँ ये ये मार्शल कॉम है ये ये कुछ जबरदस्त कर सकती है है ना तब उसको लेंसडॉन ने प्रॉपरली स्टैब्लिश करके और आ, बनाया गया तब तो आप आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जा रहे हो मूवी में जी जी अविनाश uh, आपकी प्रीवियस फिल्म सेवेंटी टू आज आई आई एम ऑफरेड कि हमें पता भी नहीं थी इस मूवी के बारे में तो जी। अब ये ओ टी टी में है लोग देख सकते हैं um, नहीं। नहीं है फिल्म लाइक हिस्टोरिकल वॉर फिल्म्स लाइक दिस यू हैवेंट व्हाट हैव यू डन टू मेक इट मोर पॉपुलर सेवेंटी टू आर्स तो हमने सुनी भी नहीं थी तो ये आप... ये

राइफलमैन जसवंत सिंह रावत उनका नाम था uh, और uh, वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं सेला पास के पास वो तैनात थे और uh, वो भी पहाड़ का जवान था uh, और एक्चुअली uh, ये सारी कहानियां ना मेरे पिता ने मुझे सुनाई है बहुत बार अः अच्छा। uh, या क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं तो वो कहीं ना कहीं वो कहानियां कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करती रहती हैं करती रहती तो मैंने ये सुना था और आ, मुझे ना बहुत फैंटिसाइज करती थी ये, ये ब्रेवरी वाली कहानी है ना मुझे 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 ऐसा लगता है कि एज अ सिनेमा पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी कहानियां कही जा सकती हैं तो आप अपना रिसर्च कहाँ से करते हो बिकॉज ये जो कैरेक्टर्स हैं ये जो ये हिस्ट्री में तो इनका uh, मतलब स्मॉल कैरेक्टर्स हु गेट लॉस्ट इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री तो आपके पिताजी ने आपको सुनाए हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ नहीं जानते हैं तो आप अपना रिसर्च मटेरियल कहाँ से ढूंढ के लाते हो शमी जैसे ना आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया कि अविनाश फिल्म अभी तक किसने देखी नहीं है बट इट इज वेरी इजी टू जस्ट फाइंड द फिल्म नाउ बिकॉज़ आपने uh, जैसे आप uh, अच्छे जर्नलिस्ट लोग uh, इसको और uh, फैलाते हैं इसको बताते हैं hmm. और अब वो एक बायोलॉज है वो जो फिल्म है सेवेंटी टू आवर्स इट्स अ बायोलॉज वे यू कैन जस्ट आपको मालूम चला और आपने फिल्म देखी और आपको पता चला कि वॉर हीरो ने क्या किया था हमारे लिए राइट right? तो पर यही बात मुझे फील हुई जब मैं फिल्म बना रहा था क्योंकि आ, कोई डाटा ही नहीं था देर वॉज नो डाटा कुछ इन रिटर्न कुछ कुछ हैंड रिटर्न नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है आर्मी के पास भी उतना है कि जो जिस पे जिस पे वो कहानी कही नहीं जा सकती उत्तराखंड so दिल्ली uh, मैं उनसे मिला uh, जिन्होंने सिंह रावत की रिपोर्ट लिखी थी कि उसने ब्रेवरी में क्या किया था एंड जेंटलमैन एट दैट टाइम ही वाज 97 98 नाइनटी एट और uh, उनको डिसेबिलिटी uh, uh, थी और मैं उनको कान पे पूछ रहा था कि क्या हुआ था सर आ, प्लीज मुझे बताएं तो फिर जो उस वॉर में जसवंत सिंह के साथ जो सिपाही थे जो बचे हुए थे आ, वो कुछ रेक्टिफाई किए क्योंकि आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो आ, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं उन्हें कोई नहीं जानता वो पहाड़ों में रहते हैं चुपचाप तो मैं फिर उनसे मिला जो गब्बर सिंह सॉरी जसवंत सिंह रावत के साथ जो आ, एक और सिपाही थे Uh, uh, दरबान सिंह नेगी सॉरी uh, 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 देर वन कैरेक्टर उनसे मैं मिला और uh, उन्होंने पूरी डिटेल में मुझे uh, जसवंत सिंह रावत के बारे में बताया uh, uh, फिर कुछ आमी से मुझे uh, डॉक्यूमेंट्स मिले कुछ चीजें मिली उनकी फैमिली से फिर मैं मिला तो मुझे पता चला कि वो जो वॉर हीरो था uh, uh, उसके घर में या उसकी उनकी माजी से मैं मिला वो भी उस समय कुछ नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव के आसपास थी और थोड़ा सेंसेस उस लेवल पे नहीं रहे थे आज वो इस दुनिया में नहीं है बट uh, ऐसे करके रिसर्च डाटा मिला एंड uh, मुझे एक uh, एक uh, जर्नलिस्ट ने आई गेस नव भारत टाइम्स में किसी ने एक uh, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था इस फिल्म के लेके कि अगर कोई बड़ा फिल्म मेकर इसको बनाता तो ये फिल्म की uh, uh, मतलब Uh, तकदीर कुछ और होती है ना तो उसी पे आई वांटेड टू आस्क कि आप फ्रंट में बैठ के अपनी छोटी सी टीम से uh, के साथ बनाते हो ये मूवी दीस आर इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फिगर्स इनकी uh, इनकी स्टोरीज भी काफी इंटरेस्टिंग हैं जर्नीज भी काफी यू नो रोमांचक है तो जी. आपको नहीं लगता है कि अगर आप बॉम्बे से बनाओगे फिल्म इंडस्ट्री में रहकर बनाओगे तो इसका प्रचार ज्यादा होगा इसको इसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी या अगर आप कोई प्रोमिनेंट फेस प्रोमिनेंट मतलब आई एम नॉट सेइंग यू यू हैव टू टेक नो ऑडियंस बी मोर इंथ एंड दे मोर अवेयर अबाउट

बॉम्बे uh, से बनाओगे, लेकर बनाओगे तो better... uh, मैं uh, शर्मी, uh, uh, मैंने फिल्म बॉम्बे से बनाता हूँ <laughs> और uh, जो uh, फिल्म थी सेवेंटी टू आवर्स मेरा क्रू साढ़े सात सौ लोगों का था सेवन फिफ्टी हाँ लेकिन आपने आ, बोला है ना कि आप उत्तराखंड से ही लेते हो टीम चुन-चुन के बिकॉज़ यू फील मेरे नहीं शमी मेरे मेरे जो टेक्नीशियंस हैं वो सारे के सारे बॉम्बे से होते हैं अच्छा। मैं उत्तराखंड में रह के जो मेरे जो नए यंग जनरेशंस हैं वो मुझे असिस्ट करते हैं वो वो जुड़ के मेरे साथ काम करते हैं तो मैं यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कि <coughs> मेरे टेक्नीशियंस मैं फिल्म का पोस्ट सारा बॉम्बे होता है टेक्नीशियंस बॉम्बे से आते हैं फिल्म का प्रचार प्रसार वहां से खुलता है क्योंकि देहरादून में ऐसा जैसा कुछ नहीं है जिससे आप okay. पूरा आई थिंक यू ऑल्सो है कि सिंस यू 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 आर ऑफ उत्तराखंड एंड काइंड रियली स्ट्रगल्ड टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री तो यू हैव दिस थिंग लोकल लोकल टैलेंट को चांस मिलना चाहिए हाँ मैम जैसे जिस, मैंने सफर किया एज एन एक्टर और मैंने वो क्राइसिस uh, या वो uh, वो चीज देखी कि uh, वो उतनी रेक्टिफाई नहीं हो रही है या जो मैं करना चाहता हूँ वैसा उस मेरे क्योंकि मैं एक अभिनेता हूँ है ना uh, मेरे मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है तो मुझे मालूम था कि uh, इस काम को कोई कोई काम देगा नहीं उस उतना बड़ा जैसे मैंने सेवेंटी आवर्स फिल्म बनाई या अब लोग बहुत ऑफर करते हैं अब बहुत सारी फिल्में मुझे मिलती हैं मगर अभी मेरी खुद की पांच फिल्में हैं जो अभी रिलीज पे हैं अ, तो जैसे वॉर जो मैंने सब्जेक्ट चुना वी फाइव सेवन वन तो अ, मैं मैं उत्तराखंड से फिल्में बना रहा हूँ मैं शूटिंग करता हूँ सिर्फ उत्तराखंड में पुष्प प्रोडक्शन बॉम्बे होता है Uh, हाँ अभी एक चीज है जैसे uh, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जर्नलिस्ट का uh, 72 आप अविनाश का इंटरव्यू लीजिए सर uh, उसने वॉर फिल्म बनाई है तो उन्होंने कहा कि uh, uh, अविनाश कौन है मैं जानता नहीं उसे एक फेस लिया हो तो <laughs> मैं, मैं उसका इंटरव्यू ले लूंगा है ना तो एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता इस बात से जैसे अमेजॉन uh, प्राइम पे ना मेरी फिल्म uh, कुछ फिल्में ऐसी होती है देखिये uh, उसके पीछे कहीं कही ना कहीं एक बहुत बड़ा बजट भी है है ना uh, मैं और फिल्म बना रहा हूँ फिर उसके बाद वो पांच करोड़ का छह करोड़ का स्पेंड भी कर रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर uh, जिस मेरे प्रोड्यूसर का नाम था वो छ करोड़ का इन्वेस्ट भी कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन बट उसके बाद भी वो रीच आउट नहीं हो रहा है Uh, मगर uh, अगर आप एक दूसरा पहलू देखेंगे फिल्म का तो uh, फिल्म ने uh, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया ओके okay. और uh, अ, मेरी फिल्म uh, मतलब पंद्रह uh, सीआर से ऊपर जाके कमाई की है और एमेजोन okay. प्राइम पे अगर मैं कहूँ तो वन फोर्टी फाइव मिलियन लोग उस फिल्म को देख चुके हैं ओके okay. तो इट्स नॉट बैड It's not bad. It's definitely not bad <laughs> you know, when uh, when you are in showbiz and uh, whatever, whatever, mm, uh, so, agar aap, uh, you know, you, you have to toe the line between your brand of cinema and the brand mm. that sells when we talk about branding. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रॉमिनेंट uh, फेस uh, कुछ अगर मैं ले लूं तो प्रमोशंस या uh, करने में आसानी होगी एंड ऑडियंस रिएक्शन को कैच करने में आसानी होगी एंड तो ऑडियंस विल नोट कि हाँ अच्छा ये बंदा है तो लेट्स गो एंड वॉच अच्छा इसकी सच एंड सच एक्टर की नई मूवी आ रही है इट्स अ वॉर मूवी तो लेट्स गो एंड वॉच आपको ऐसा कभी नहीं लगा कहीं ना कहीं ना वो जो कमर्शियल एंगल है आ, वो जो पब्लिसिटी है आप जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आने लगा हूँ अब मैं मुझे बहुत धकेल धकेल के पुश कर करके मेरे, मेरे जो पीआर मेरी जो कंपनी है वो जो मेरे पीआर के जो लोग हैं वो जो प्रमोशंस देखते हैं दे, उन्होंने बहुत फोर्सफुली मुझे कहा है कि यू जस्ट अपियर समवेयर या yeah. uh, आप आप हुई है वहां पर एन एज इन वेन सोशल मीडिया सच अ स्टॉम इट मैटर्स जी बहुत सारे मूवीज हैं जो क्वालिटी uh, तो नहीं क्वालिटी uh, गारंटी कर कर सकते हैं या नहीं पता जी। नहीं जी। लेकिन दे जेनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू मैसिव मार्केटिंग एंड पीआर मैसिव मैम मैं इस बार मैसिव मार्केटिंग पीआर करूंगा और हंड्रेड परसेंट करूंगा आ, मैं आ, अब क्योंकि जो सेवेंटी टू आवर्स को लेके जो शिकायत है सभी की वो अब दूर हो जाएगी मैं अच्छे से प्रमोशन करूंगा फिल्म का कब उस है उस फिल्म का रिलीज है मैम इसको हम लोग जून के आसपास सोच रहे हैं फिल्म को अभी क्योंकि कोई तो रीजन जून में रख रहे हो आप Uh, मैम अभी फिल्म का वीएफएक्स पार्ट बाकी है फिल्म में बहुत सारा VFX है फिल्म में ग्राफिक्स बहुत सारे इस्तेमाल होने हैं बहुत uh, बहुत क्रोमा शॉट्स हैं वॉर बड़ी है वर्ल्ड वॉर बिकॉज़ मी एंड माय टीम ट्राई वेरी हार्ड टू जस्ट शोकेस द वॉर द वर्ल्ड वॉर वन और हुआ क्या था तो uh, ग्राफिक्स हैं बैकग्राउंड स्कोर है तो अभी भी मैं Uh, uh, अभी मीटिंग से फिर uh, जो म्यूजिक बन रहा है वहां जाना है uh, तो बड़ी फिल्म है बड़ा स्केल है तो वो थोड़ा टाइम जाएगा तीन चार महीने तो uh, आप उत्तराखंड uh, के बारे में कुछ बताओ लोकलाइज टैलेंट लोकलाइज मूवीज इज इंडस्ट्री ग्रोइंग देयर व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स डू दे मेक हाउ आर दे एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस व्हाट इज द रिस्पांस लाइक कुछ बताइए बिकॉज़ अ uh, हमारे व्यूअर्स शुड नो दैट देयर आर दिस इंडस्ट्रीज इन इंडिया दैट डू डिजर्व टू बी नोन ये जैसे मैं यहाँ पे क्यों आया uh, मैं देहरादून में एक जमाने में रंगमंच करता था मेरी शुरुआत uh, रंगमंच से हुई uh, सड़क पे नाटक करने से भी स्ट्रीट प्ले से हुई तो uh, मेरे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनसे मैंने ये काम सीखा ये विधा सीखी तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं तो बॉम्बे आ गया पर मेरे कई सारे साथी ऐसे हैं जो किन्हीं कारणवश बॉम्बे नहीं आ सकते और जो बहुत काबिल हैं जैसे और उसके बाद जैसे यहाँ शूटिंग अब बहुत ज्यादा होती है उत्तराखंड में तो दूसरा ना मेरे जो कलाकार हैं जैसे जैसे मान लीजिए कि आ, आप मेरे सह कलाकार हैं और आपको मैंने किसी से मिलवाया या आप कहीं गए किसी ऑडिशन में तो आ, वो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे करती है इंडस्ट्री की मतलब आ, ये नया आदमी आया है बट वो नया आदमी नहीं वो पिछले बीस साल से रंगमंच कर रहा है जी, वो नया कैसे उसे? तो ये उसे आपने सालों से ये कर रहा है। ये बिहेवियर अदरवाइज अदर अदरवाइज करने का जो बिहेवियर है बॉम्बे में जी, वो अपने फेस किया है वो क्या चेंज हो रहा है धीरे धीरे या अभी भी वो बहुत स्ट्रांग है अ मैम ऐसा नहीं है कि बॉम्बे इंडस्ट्री काम नहीं देती है आउटसाइडर्स को ये थोड़ा सा मिथ है वो, वो, वो सबको काम देती है मैं अगर बॉम्बे काम करना चाहूँ तो मुझे काम आ, मतलब आ, मिलेगा आ, मुझे अभी भी अच्छे से ऑफर्स आते हैं वो मुझे कहते हैं काम करने के लिए जो वहाँ के वहाँ भी जो मेरे सीनियर्स हैं या आ, आ, जैसे मेरी फिल्म Amazon Prime पे है या आ, मेरी पहली डेब्यू फिल्म फेडरिक थी तो आ, वो मुझे अच्छा काम ऑफर करते हैं बट अब क्योंकि मैं ही कुछ अलग करना चाह रहा हूँ मैं ही एक एक एक, एक पैरल इंडस्ट्री नहीं कहूंगा मैं मैं चाह रहा था कि मैं मेरी सोच ऐसी है कि आप एक आप जो जो चाह रहे हाँ मैं मतलब मुझे वो रेगुलर क्योंकि जैसे जैसे साउथ में ना चार लैंग्वेजेस हैं आ, वहाँ जो आ, तो वहां जो सिनेमा है तेलगु तमिल कन्नड़ मलयालम तो कन्नड़ा इंडस्ट्री वहाँ की सबसे छोटी इंडस्ट्री है और वहाँ पे फिर एक फिल्म बनती है के जैसी कन्नड़ा में और वो ग्यारह सौ करोड़ का बिजनेस करती है है you ना know? तो यहाँ भी, भी उत्तराखंड में जो टैलेंट है आ, जो जो लोकेशन वाइज अगर मैं देखूँ या कल्चर वाइज देखूँ तो बहुत और बहुत सारी कहानियां हैं कहने के लिए आ, मतलब जैसे आ, तो आ, मतलब कई सारे ऐसे लोग ऐसे मुझे कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर की फिल्में नहीं कर रहा हूं आ, मैं या स्टोरीज नहीं देखता हूं बट आ, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे वॉर हीरो को मैं याद नहीं करता तो कौन याद करता जी अब मैं इसका इंतजार करूं जी आल्सो आई फील कि अब द इंडियन ऑडियंस शुड नो कि हर स्टेट में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और उनको लाना चाहिए तो बड़े पर्दे पर क्योंकि हाँ जी. इतने दिन हम वो सेम ओल्ड घिसा पिटा स्टोरी सुनेंगे या देखेंगे सो ऑडियंस नीड्स टू लिसन टू दैट आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन इंडियन सिनेमा विद डायरेक्टर्स एंड फिल्म फ्रॉम Different towns and different states and different cities in India. So, you that you stories uh, from your se uh, the jo, uh, jo army. Mein the. Apart from that, do you have any inspirations behind your films? Like, there are so many war movies uh, being made by very big directors in the world. Uh, हाल ही में एक मूवी आई थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट यस वो इतनी बेहतरीन मूवी थी तो वैसे ही आप वॉर मूवीज देखते हो आपके पास एक फिल्म है एक बायोलॉज है जो आप देख सकते हो जिसे आप समझ सकते हो तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म आई मस्ट से एंड ऑफ कोर्स आपने भी देखी होगी फिल्म तो मेरे लिए इंस्पिरेशन ये है कि ये मेरे हिंदुस्तान में भी हो सकता है hmm.

तो नेपोलियन एक फिल्म है जो आपको इंस्पायर करती है आ, मेरे घर की एक पिक्चर है बॉर्डर शायद उतना किसी वॉर फिल्म ने नहीं mostly, आ, किया ऑडियंस को जितना उस फिल्म ने किया है हम लोग बच्चे थे मुझे याद है मेरे गांव में वीएचएस पे वो फिल्म देखी गई थी और आ, मैं खुद भावुक होकर रो रहा था जबकि आई वॉज किड एट दैट टाइम तो अब जेपी दत्ता साहब ने बनाई है कुछ अच्छी फिल्में वॉर फिल्म वो, वो आपको बिल्कुल इंस्पायर करती है या वो जो गाना है संदेश से आते हैं मैं पिछले अह हम अपनी फिल्म का म्यूजिक बना चुके हैं गाने बना चुके हैं बट स्टिल आई आई वांट वो वैसा गाना वो वैसा ट्यून यू नो कि वो जो संदेश से आते हैं को कहीं मैं टच कर पाऊं तो ये ये मेरा सौभाग्य होगा यू you नो know? तो वो बिल्कुल इंस्पायर करता है आपको तो um, आप आ, मतलब आप बोल रहे थे कि अह

Uh, जैसे हमारा इसरो पहले कैसा था आप कहाँ पहुंच गए हम है ना ऐसी सिनेमा है तो हम भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और अब हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं है ना हमारा जो इंडियन सिनेमा है ये बॉलीवुड वॉलीवुड नहीं है ये ये भारतीय सिनेमा है जैसे मैंने अभी एक गढ़वाली फिल्म भी बनाई है तो भाषा बैरियर कभी नहीं हो सकती अः हम जैपनीज फिल्म भी देखते हैं आई थिंक वी हैव टू डू विद दिस ऑफ बॉलीवुड बॉलीवुड इज मतलब द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुड नॉट बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंडियन मीन्स बहुत कुछ मतलब उसमें हिंदी भी है मलयालम भी है कन्नडा भी है तमिल भी है गढ़वाली भी है तो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो आई थिंक द ऑडियंस नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस इज इंडियन सिनेमा इन ऑन अ होल मतलब ये मैम अगर ये अगर एक जापानीज डिविजन जी अगर एक जापानीज फिल्म देखेगा आ, कोई कन्नड़ा फिल्म तो वो यही तो कहेगा कि ये एक इंडियन भा, एक भारतीय फिल्म है क्योंकि हमारी देश की अच्छी बात ये है कि हम इतनी विविध भाषाएं हमारे देश में हैं कि मतलब अवधि से लेके और उर्दू से लेके कन्नड़ से लेके गढ़वाली से लेके कुमाऊनी से लेके इतनी सारी विविध भाषाएं हमारे देश में हैं और वो विविधता

Uh, uh, मेरे पिता uh, आर्मी में रहकर सर्व कर रहे थे अपने नेशन को मैं uh, uh, सिनेमा में आया और मैं uh, अपने देश के वीरों पे फिल्म तो बनाता हूँ मतलब कुछ तो वो रीजन होगा आप सिनेमा में क्यों आए क्या व्हाट यू टेक द डिसीज़न बेसिकली मैं एक बचपन की घटना है मैं देख के मेसमराइज हो गया था आई वॉज इन दिल्ली एट दट टाइम देव सिमा हॉल जनकपुरी जनकपुरी में था तो उसमें तो, तो मुझे लगा की यही ये ये मेरी जिंदगी होने वाली है और ये बहुत कमाल जो हो रहा है लव uh, स्टोरी अच्छा। uh, विदु सर की फिल्म थी विधु विनोद चोपड़ा साहब की और मैंने उसके बाद फिल्म को भी देखी नहीं है 1942 अ लव स्टोरी हां 1942 अ लव स्टोरी जी तो आ, मतलब मेरे लिए बड़ा आ, मैं जब वो किरदारों को देखा जैकी स्ट्रॉफ को या अनिल कपूर साहब को या उसमें मनीषा कोरेला हीरोइन थी तो वो बड़ा बहुत मेस्मराइजिंग था मतलब मुझे लगा ये ये काम अच्छा है तो मैंने मेरा जो काम है जो धंधा है वो तभी तो समझ लिया था कि यही करूंगा जिंदगी में you know? ओके okay. तो, हाँ तो और आप आप वॉर मूवीज बनाते हो आप और किस टाइप की मूवीज बनाते हो मैंने एक फिल्म बनाई है भी फूली फिल्म का नाम है हुँ. वो एक पहाड़ में रहने वाली एक बच्ची की कहानी है जी. जो स्कूल जाना चाहती है जो पढ़ना चाहती है जो उसका शौक है पढ़ना है you ना know? तो कैसे हालात बहुत खराब है उसकी जिंदगी में पिता अल्कोहलिक हैं माँ है नहीं अच्छा। आ, वो जंगल जाके घास बेच के लकड़ी बेच के वो कुछ पैसे लाती है पिता वो छीन लेते हैं फिर शराब पी लेते हैं तो वो वो रोज यूनिफॉर्म पहनती है उसके साथी उसे कहते हैं कि पूरी तू तो क्यों यूनिफॉर्म पहनती जब तू तो स्कूल नहीं आती तो कहती कि मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम खत्म हो जाए तो मैं स्कूल आ जाऊं तो एक दिन उसकी जिंदगी में एक जादूगर आता है और जादूगर उसे बताता है कि आ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में जादू करने फूली और कोई नहीं आता किसी की जिंदगी में जादू करने वो जादू में खुद करना होता है तो कैसे बात को समझती है और कैसे दसवीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में वो कैसे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान से पास होती है और कैसे आगे जाके वो एक आ, सफल आईपीएस अधिकारी बनती है अः ये फिल्म मैं, मैंने बनाई अभी बीच में फूल इसका नाम है तो अलग तरह का सिनेमा है ये और और ज़्यादा यथार्थ के नजदीक है ये फिल्म बनाने के पीछे मेरा रीजन मैम ये था कि जैसे ना सिनेमा भ्रमित ही क्यों करेगा ना सिनेमा इंस्पायर भी तो कर सकता है और मैं जो सिनेमा बनाता ना वो वो मोटिवेशन से भरा होता है मतलब मुझे से लगता है कि जैसे इस इस फिल्म का जो थीम है जो मैं कहना चाहता हूँ इस फिल्म से पूरी से कि आ, #पढ़ना जरूरी है स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट है ना मैं आ, पता नहीं एज अ एक्टर मैं कर सकता हूँ कुछ अलग तरह की फिल्में जो कमर्शियल फिल्म्स जैसी होती हैं मतलब पता नहीं मुझे पता ये ही नहीं समझ में आता कि कमर्शियल सिनेमा क्या है मैं जो कह रहा हूँ कमर्शियल सिनेमा ही है शायद कास्ट अवे एक फिल्म है जो मैं उसे कमर्शियल सिनेमा मानता हूँ you know? तो थोड़ा ऑडियंस का परस्पेक्टिव भी बदलना चाहता हूँ कि कि आ, ऐसी भी कुछ कहानियां हैं तो जी. आ, मैं आ, वो फिल्म अब नहीं करना चाहता कि एक लड़का है जो एक लड़की को फॉलो करता है या टिंग, हाँ। टिंग टिंग और घर के नीचे खड़ा है उसने मान लिया कि वो उससे प्यार करती है वो उससे प्यार करता है कहानी ऐसी भी हो सकती तो है, है कि हाँ। मैं ऐसी कहानी भी कह सकता हूँ यूथ को कि पढ़ना जरूरी है भैया है ना मेरे 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 कजन है मंगेश घिल्डियाल दिल्ली में है अभी भाई तो वो एक बड़े उच्च अधिकारी हैं वो पीएमओ सेल में है इस समय तो उसमें और मुझ में फर्क यही है कि उन्होंने वो पंद्रह किताबें पढ़ी जो मैंने नहीं पढ़ी है ना तो पढ़ना जरूरी है वो फिल्म उन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर फिल्म है जो उन्होंने मेहनत की है तो ये कुछ अलग तरीके का सिनेमा है तो ये सिनेमा क्या मतलब इज इट रेडी कब रिलीज होगी फूली फिल्म तैयार है वो उसको अलग अलग ओटीटी में भेजा हुआ है मैंने मेरी टीम ने कि तो आ, लोगों को पसंद बहुत आई है फिल्म तो, आ, बहुत पसंद आई ये आ, इस इस मूवी होली में आपने कोई नॉन फेस को लिया है या सारे नए एक्टर्स हैं एक गांव है उत्तराखंड में तिमली वहां पे मेरे एक साथी हैं आशीष जबराल तो ये फिल्म वहां से पैदा हुई कि आ, मैं एक छोटी सी वर्कशॉप के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ाना पढ़ाता हूं मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में मैं करूं, buff, so But, uh, जब मैं वहां गया तो okay. मैंने देखा उन बच्चों में कि वो uh, वो बहुत अच्छे एक्टर थे सारे के सारे जो मेरी uh, फिल्म एक्ट्रेस uh, है जिसको हमने एक्ट्रेस बनाया अः uh, रिया uh, उसका नाम है <coughs> तो वो आ, उसको वो उसने कभी आ, किसी सिनेमा में काम नहीं किया था <coughs> या और भी जो बच्चे हैं प्रिंस एक बच्चे हैं तो आ, कुछ दस बारह बच्चे हैं जो मैंने वही वर्कशॉप से ही उनको उठाया मैम यू वांट इमेजिन मुझे ना अभिनय के ना नए आयाम समझ में आया उनके साथ काम करके <laughs> मतलब दे 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 वो टेरिफिक आई मीन उनको पूरी स्क्रिप्ट मैं आ, उनको मैं कई बार कुछ इम्प्रोवाइज सीन करते थे हम लोग तो

Uh, I mean that guy, uh, hmm. there आई मीन दट गायरेक्टर जो भी कितने जितने भी किरदार उस फिल्म में थे वो सारे के सारे uh, सब उसी पहाड़ से लिए गए हैं अपार्ट फ्रॉम मी मैं ही उसमें एक सिर्फ प्रोफेशनल एक्टर था डायरेक्टर भी ही था बाकी वो सब वो बच्चे थे जिन्होंने कभी सिनेमा नहीं किया और uh, uh, अभी जल्दी उस फिल्म को लेके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा एक ऐसा सिनेमा है कि ये सेल कैसे होगा क्योंकि वो जी एक जी आ, आ, अलग तरह का सिनेमा है <coughs> तो कई कई बार मुझे मेरे साथी लोग कहते हैं कि यार आ, थोड़ा बिकने वाला सिनेमा बना दे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा कन्विंस नहीं होता इस बात से बिकने वाला सिनेमा क्या होता तो मतलब तो मतलब तो वो जो तो अगर आप ये बिकने वाला सिनेमा नहीं बनाना चाहते हो लेकिन नहीं, आप फिर अपने फाइनेंसस हाउ डू यू काइंड ऑफ गेट्स फाइनेंसिंग फॉर योर फिल्म्स मैं मैं बिकने वाला सिनेमा ही बनाता हूँ वो लोगों को समझ में लेट आ रहा है अच्छा। <laughs> <laughs> हाँ, आप मैं... वो तो की सोच बदलना चाहते हो धीरे धीरे अपने आर्ट से हाँ मतलब मैं मैं कौन होता हूँ किसी की सोच बदलने वाला हा? मैं बस ऐसा कहना मैं अपने सिनेमा के माध्यम से कुछ अच्छी कहानी कहना चाहता हूँ और कह ने रहा, रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा समय लगता है चीज को होने में आ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है आ, फूली मैं बना के रेडी कर चुका हूँ फूली बल्कि सॉरी फूली में बहुत सारे स्कूल्स में दिखा भी चुका हूँ अच्छा आ, हाँ और बहुत मैसिव रिस्पांस है और आ, मतलब बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे हैं मैं कई सारे स्कूल्स में मैंने फिल्म को दिखाया है और अल्टीमेट मोटो ऑडियंस से है है ना अभी वो फिल्म नेटफ्लिक्स में उसका आ, ट्रेलर अप्रूव हुआ है और वो फिल्म आ, Amazon पे भी उस फिल्म की बात चल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो बहुत जल्द की कोई ना कोई प्लेटफॉर्म उस फिल्म को लेगा और आ, तो बेस्ट चीजें अच्छी हो रही हैं <laughs> तो आप और और किस टाइप की मूवीज आप कोई मतलब यू नो you know, रोमांस या एक्शन थ्रिलर आ, मर्डर मिस्ट्रीज और जो स्टोरीज होते हैं वो आप ही लिखते हो जी अभी देयर इज अनदर फिल्म सौम्या गणेश सौम्या गणेश इज अ ब्यूटीफुल फिल्म वो पेंडेमिक के दौरान मैंने वो फिल्म बनाई वो बड़ी फिल्म है वो भी सौम्या गणेश अभी वो भी रिलीज पे आएगी आ, तो सौम्या गणेश उसका जो टॉपिक है वो डायबिटिक सेंट्रिक फिल्म है क्योंकि आ, मेरी फिल्म जो मैं कहता हूँ ना उसके पीछे एक मैं एक थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ कहानी पे तो हमारे देश में मतलब इंडिया एक जगह लिखा हुआ था कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज तो और फिर मैंने अपने अराउंड देखा अपनी फैमिली में ही तो वो भी डायबिटिक है वो भी डायबिटिक है तो यहाँ से एक कहानी का बेस मुझे मिला अच्छा अच्छा एंड इट इज अ इट इज अ इट इज अ रोमांटिक फिल्म सौम्या लड़की का नाम है गणेश लड़के का नाम है okay. दोनों बहुत प्यार करते हैं दूसरे से एक सिंपल से ऋषिकेश uh, में रहने वाले दो लोगों की कहानी है uh, एक परिवार की कहानी है उनके दो बच्चों की कहानी है और uh, वो एक कमर्शियल फिल्म है तो वो एक फिल्म है देन देयर इज अ फिल्म अमंगल इट इज द हॉरर फिल्म सो वन बाय वन सिनेमा आ रहा है Uh, vc571 uh, क्योंकि वॉर फिल्म है uh, वॉर फिल्म रिसर्च मांगती है जी और uh, तो थोड़ा समय लगता है जी uh, uh, और क्योंकि मैं उत्तराखंड में एक uh, प्रोडक्शन हाउस जो मेरा मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है पद्मा सिद्धि फिल्म्स uh, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं एक फिल्म स्कूल भी लेके आ रहा हूं यहां पे uh, हां क्योंकि मुझे से लगता है कि जैसे मैम सिनेमा है ना जो मुझे बंबई जाके ना बहुत समय लगा समझने में तीन साल तो मैं उस भ्रम जाल में फसा रहा है ना और क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूँ मैं एक फौजी ने मुझे जन्म दिया वो तो मैंने डिसिप्लिन मुझे पता है क्या होता है जीवन में तो जैसे हमारे देहरादून में ना आई है इंडियन मिलिट्री अकेडमी तो वहां पे तीन सौ बच्चे आते हैं और वो तीन सौ के तीन सौ बच्चे तीन साल बाद इक्वल्ट ऑफिसर बन के निकलते हैं वो उनके अंदर कमांडिंग पोजीशन उतनी ज्यादा होती है आ, कोई जब वो इनिशियली ज्वाइन करते हैं आर्मी को तो कोई मैथ्स में अच्छा होता है कोई फिजिक्स में अच्छा होता है कोई फिजिक्स में अच्छा होता है कोई लॉन्ग जंप में अच्छा होता है बट आफ्टर थ्री ईयर्स तीन साल के बाद वो इक्वलेंट ऑफिसर निकलते हैं तो इस सिनेमा में क्यों नहीं हो सकता ये कमी मुझे बहुत लगी जी. मतलब देर वॉज अ टाइम बहुत uh, एक uh, एक ऐसा फेज था जब थोड़ा मुश्किल हो रहा था बॉम्बे में <laughs> तो एक uh, एक कास्टिंग uh, डायरेक्टर मैं नॉक किया और uh, मैंने देखा तो उन्होंने कहा यू आर नॉट फिट फॉर द कैरेक्टर सर सो मैंने कहा सर वेट अ सेकंड मैंने कहा सर आई रियली डोंट वांट वर्क आई हैव आई हैव आई हैव एन क्वेश्चन

एक पंडित इंसान रहे तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं मैं बचपन से उनको देखता था मंत्र उच्चारण करते हुए तो आ, वो इतने मंत्र याद करते थे तब वो कहीं जाके पूजा करते थे बहुत सारी चीजें तो आ, इस इस विधा की ना जैसे मेरा जो फिल्म स्कूल में लेके आ रहा हूं अभी उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जहां हो वहां सिनेमा है मैं ऐसा मानता हूं अभी मैं देहरादून में बैठ के सिनेमा बना रहा हूं ना मैं हिंदी सिनेमा ही तो बना रहा हूं जी तो इस विधा को जैसे जो एक्टर्स हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ अभिनय करने से चीजें हो जाएंगी बट अभी जिस लेवल पे सोशल मीडिया है आप जैसे एक फौजी बनने के लिए सिर्फ नहीं चाहिए होती दिमाग भी चाहिए होता है उसके रिटर्न तो आप भी, भी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन की उतनी समझ होनी चाहिए, आपको भी, आ, तभी आप अच्छा अभिनय कर पाओगे जब आप बिहाइंड कैमरा समझोगे चीजों को कि अच्छा कैमरे के पीछे से कैसे देख के कैसे फील होता है या अभिनय जब एक अभिनय कर रहा होता है अविनाश वी आर विशिंग यू ऑल दिल्ड फॉर योर जर्नी आशा करते है ऑडियंस को बहुत पसंद आए आपकी ये मूवी और आप uh, ऐसे ही अच्छे फिल्म बनाते रहो और आपकी जर्नी भी काफी सफल हो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अर्स थैंक यू मैम थैंक यू सो मच नमस्कार